और दीवानो हमको पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, और दीवानो हमको पहचानो। ऐसे देखने में तो हमारी बॉडी एकदम सॉलिड स्ट्रांग लगती है ना, देखो जरा पेट जो है ना थोड़ा बाहर आ गया है, ये ऐसे सांस रोक के अगर ऐसे रखें तो है? तो पता नहीं चला है। अरे दीवानो हमको पहचान, कहां से आया? फोन किधर से? हेलो, हु इज दिस? गधे के बच्चे, तुम्हारी मौसी। मौसी, मौसी जिंदा है। मौसी का फोन कहां से आ गया? मेरी बाबा प्रणाम मौसी। का हुई गवा? हाँ, दौरा पड़ गए का? नहीं नहीं मौसी, वो आपका फोन आया ना तो ऐसे आपका नाम देखकर ही हम एकदम खुश हो गए थे, और खुशी के मारे हमारा हाथ ही गिर गया फोन से, मतलब फोन ही गिर गया हाथ से। अब ज्यादा तो लूल पड़ करो मत हमसे, बता रहे हम। हम तो अपने बच्चों के सामने बकरबाजी नहीं कर पाते। अब ध्यान से सुनो। हाँ, एक रिश्ता भेज रहे हैं। हाँ। लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, नौजवान है, एकदम शादी के लिए सही, हमारी गारंटी के साथ। मौसी, आपको ऐसा नहीं लगता कि शादी के लिए आपका थोड़ा सा ये लेट प्लानिंग हो गया है? चुप, एक लफ्ज भी और बोला ना, बताओ रे हम तुम्हारी जो बचपन की नंगी पोंगी फोटो है ना, हम अपनी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, मीनाक्षी की शादी की बात कर रहे हैं। लेकिन मौसी, वो मीनाक्षी तो का मीनाक्षी को मतलब उसको तो मर जात से नफरत है। तो का हुआ, हमको भी तो है। अगले रविवार को आ रहे हैं लड़के वाले, पूरी तैयारी के साथ रहना। बचपन में हम एक बार निर्वस्त्र क्या पैदा हो गए, पूरा जीवन भर अपना इज्जत बचाए घूम रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी को उस लड़के से मिलाने के लिए पटाएगा कौन है? कौन समझाएगा उसे? बिल्कुल नहीं। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। बंद कर ऐसे गाने। लेकिन कब तक दीदी, एक दिन तो हमें ये गाना गाना ही है, तो आज क्यों नहीं? जिस गली में जाना नहीं वहां का कोई गाना नहीं। ये दीदी, लड़का खुद ही चलकर अखाड़े आ रहा है तो दंगल ना सही, कम से कम देख तो ले। देख काजल, ये मैटर मेरी खुददारी का है, और मैं किसी मर्द के आगे खुद का प्रदर्शन नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी मेरा उद्देश्य लड़कों की बैंड बजाना है, ना कि खुद की। देखिए दीदी, हमारा परिवार पहले से ही पूरे बनारस में बदनाम है, और अगर अपने लड़के को नहीं देखा तो हमारे पापा की नाक कट जाएगी। पापों की नाक कट गई तो वो डिप्रेशन में चला गया तो? अरे एक मिनट चुप रहो तुम दोनों। देखो बेटा, क्या है, जब घर के बड़े बूढ़े कोई निर्णय लेते हैं ना तो सोच समझ कर ही लेते हैं। अब मौसी जी ने कहा है कि लड़के को देख लो, तो देखने में क्या हर्ज है? देखना तो हमको भी है, क्योंकि मौसी की बात पर हमको जरा सा भी यकीन नहीं है। नहीं पापा, अभी 2 साल बाद महिला मुक्ति मोर्चे के इलेक्शन है, और मनोरमा जी का पूरा समर्थन है मुझे, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। रे दीदी, थारे को खुला छोड़ दिया ना तो एक नहीं बनारस के सारे छोरे ना कवारे मर जावेंगे। जो भी हो, लेकिन मैं अपने उसूल, अपने आदर्श किसी को खुश करने के लिए नहीं बदलूंगी। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। अरे वाह वाह स्वीटी, क्या डायलॉग मारा। ये लो 1 रुपए और चुप करके वहां बैठ जाओ। अरे बिटिया, तुमसे ब्याह करने को कौन कह रहा है, एक बार बस लड़के से मिल लो, हो सकता है कि दोनों के ख्याल मेल खा जाए। हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। अरे! अरे, लेकिन 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 मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? नंबर 1, कि मैं शर्माऊंगी नहीं। मतलब तुम बेशरम बन जाओगी। नंबर 2, ना मैं लड़के के लिए चाय बनाऊंगी और ना उसके लिए चाय लेकर जाऊंगी। कॉफी बनाना बहुत फैंसी है। नंबर 3, मैं उसे देखकर स्माइल बिल्कुल नहीं करूंगी। चुप, इस बार कुछ कहा ना तो नाक तोड़ दूंगा।
और नंबर चार तो तुम सब जानते हो कि मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मंजूर है। है पूरा इतना खर्चा ही खर्चा है इस घर में, खत्म ही नहीं होता है। ए जी, हमारी बिटिया को कोई लड़का पहली बार देखने आ रहा है, जाइए मिठाई विठाई लेकर आइए। अरे मिठाई तब मंगाई जाती जब पता हो कि शादी होने वाली है, अब इसे बेकार में पैसा कौन बर्बाद करे। सुनिए। अरे सुन रहे हैं बाबा, बोलो ना। अगर दुनिया में कंजूसों की गिनती हो रही होगी ना तो आप अव्वल नंबर आएंगे। बेकार में बोलती जाओगी बस। फिर शुरू हो गए अपने आप से बात करना। बापू तू डॉक्टर आंटी को दिखा क्यों नहीं आता, ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन आगरा दूर ना है। सुना आपने, बाप को पागल खाना भेजने की बात करी है। अरे चुप रहो तुम, अभी लड़के वाले घर पर आ रहे हैं, जाओ बाजार में कुछ मिठाई विठाई लेकर आओ। ला 1000 रुपए। तुम्हारे बाप के पास ना कोई पैसों का खजाना नहीं है, जानती हो ना। ये लो 100 रुपया, चलो भागो यहां से। भाग कैसे बच्चे। बीना, ए बीना तैयार हुई कि नहीं? ए जी, यहां तो चाय से ज्यादा केटली गर्म है। अरे का हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे केतली, मतलब बीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। का करे जी, हमें समय नहीं मिला, लड़के वाला है तो रोके रखेगा, हम अभी तैयार होकर आते हैं। अरे मीनाक्षी को तैयार करवा लेना भाई, लड़के वाले उसको देखने आ रहे हैं, तुमको नहीं। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, राम जी। ओ राम जी, वो जो पिया आ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, किसी और के लिए आ रहा है। ओ वाव, मतलब उनका नाम पिया है? ओ राधिका बेटा। जी पापा। इस डेकोरेटिव पीस को किसी कमरे में ले जाकर बंद कर दो, अगर ये बाहर आ गई ना तो हमारा दिमाग का दही कर देगी। डैडी, आप कितने भोले हैं, आपको इतना भी नहीं पता कि दही दूध से बनती है, दिमाग से नहीं। राधिका बेटा, फौरन फौरन ले जा, फौरन ले जा, ले जा, ले जा। नहीं, हमारी ये बेटियां भी एक से। आप टेलर है? नहीं तो फिर हमारे कपड़े को ऊपर से नीचे तक नाप काहे रहे हैं भाई। जाइए, जाके मालिक को बुला के लाइए, कहिए साहब आए हैं। देखिए, इस घर के मालिक और साहब हम ही हैं। हाँ। मजा आ गया। हम तो जोकिंग कर रहे थे। हमको तो पता है। जोकिंग? हाँ, मौसी जी ने भेजा है लड़की देखने के लिए। अच्छा अच्छा, अरे रे, हमको लगा। आइए आइए, लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, बाहर रिक्शा वाले के साथ थोड़ा चल रहा होगा। ये आजकल रिक्शा वाले जो है ना, बहुत ही बदमाश हो गए हैं। अरे छुट्टा चाहिए ये, कोई बात है। आइए भाई साहब, अंदर आइए। अरे नहीं, गलत समझ रहे हैं भाई, हम ही है वो लड़का, लाखों में एक, दिल से देख, प्रेम नारायण पाड़े फ्रॉम कानपुर। प्यार से लोग हमको घर में लड्डू बुलाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर है ना। आप भी जोकिंग कर रहे थे ना, मजा आ गया। बढ़िया है। अरे नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। आजकल छुट्टे की बड़ी दिक्कत है, है? 4 किलोमीटर के 56 रुपए मांग रहा है। जरा आपके पास 6 रुपए खुले मिलेंगे? 6 रुपए? नहीं 6 तो नहीं है, पर ये 100 रुपए का नोट है, तो दे दीजिए। ये ले। अरे रख ले रख ले, हमारे लड़के का होने वाला ससुराल है। अरे छुट्टा नहीं है का? बढ़िया है, मजा आ गया। अम्मा, अरे तो देखो, आओ आओ, अरे चलो तो। बढ़िया है।
अरे कहाँ बढ़िया है। अरे वाह अम्मा, घर पे दमे लल्लन टाप है। बढ़िया है। ये लीजिए, शगुन लीजिए, तो फिर हम रिश्ता पक्का समझे। रिश्ता? अरे लेकिन अभी तो आप लड़की को देखी भी नहीं है। अरे भाई, जब घर देख लिया है तो लड़की भी देख लेंगे। शगुन है, रख लीजिए। और हाँ, बुलाइए बुलाइए, लड़की को भी बुलाइए। ये तो हमको बहुत ज्यादा फास्ट लगते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी मीनाक्षी किस खेत की मूली है। अरे बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए। हाँ, भूल गया था। मेरा बेटा बड़ा ही संस्कारी है। हाँ। आप जैसे बुड्ढों की इज्जत करना कभी नहीं भूलता। बढ़िया है। एजी, चूल्हा बुझ गया लेकिन रोटियां अभी तक सेक रही हैं ये। अब हम जरा लड़की को बुला कर आते हैं। बुलाइए बुलाइए। बीना, ओ बीना। अम्मा, तुम्हारे होने वाली बहुरिया का नाम बीना है, बहुत मधुर लगेगा। प्रेम की बीना, बीना का प्रेम, ये बीना तेरे बिना नहीं जीना। मजा। जी आ रही है। आप बहुत किस्मत वाले हैं, ताहे कि आपको हमरे जैसा नीक और क्या कहना चाहिए, व्यवहारी लड़का मिला है। आपकी लड़की के लिए हमें दमे परफेक्ट है। ये मौसी ने भी क्या कमाल का नमूना भेजा है। ये बीना है। नमस्ते, नमस्ते। अरे पानी पिलाओ। लीजिए ना। बैठिए बैठिए। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? Where have you studied till now? हमने बीए किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। I study BSc till now. साइंस से है। BSc, वो भी साइंस से? कुछ नया लगता है। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बताओ बताओ। अरे बेटियां माँ से ही तो सीखती हैं। अच्छा अच्छा, वो कहा है ना, हमें पानी वाले बतासे खाना, सिनेमा देखना, नए नए कपड़े खरीदने का बहुत शौक है। बढ़िया है। पर बेटा, खाना खाना तो ठीक है, पर खाना बनाना भी आता है ना? बनाना? अरे ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, हम तो इसके फैन हैं। इसके हाथ की कचौड़ी तो एकदम वाह है। मजा आ गया। बढ़िया है। ये लीजिए, रख लीजिए। रखिए रखिए। शगुन है, रख लो रख लो। वैसे भी ये प्रोडक्ट एकदम फ्लॉप है, कम से कम चाय पानी के तो पैसे निकलेंगे। देख लो देख लो, कुछ भी नहीं निकलेगा। कंगलों को कंगले ही मिलते हैं। तुम क्या जाते हुए कोई शराब देकर गई थी क्या हमको? शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम बहुत खुश रखेंगे, रोज एक ठो गुलाब देंगे। इतने सवाल जवाब लड़की की माँ से कर रहा है तो फिर मीनाक्षी से क्या पूछेगा? एजी सुनिए तो, हमें अपना ना वो दिन याद आ गया जब आप हमें पहली बार देखने आए थे और पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि एक पागल घुसा है गांव में। हम तो आपको सच्ची में पगला समझ बैठे थे। अरे वो दिन है और आज का दिन, हम अभी तक पागल बने ही घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पता नहीं ये ऊपर वाला कब तक हम पर आर ही चलाता रहेगा। चलो ये भी झेल लेते हैं। मजा आ गया। बढ़िया है। ये हमारी बाकी की तीन बेटियां हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। आज से आप सब हमारी सालियां हुई। गाली दे रहे?
लड्डू मंगाया है बाजार से, अभी आते ही होंगे लड्डू। अरे नहीं नहीं, हम अपने बिटुआ को लड्डुआ कह रहे हैं। अच्छा, हमको लगा आप खाने के लिए मांग रही हैं लड्डू। अरे नहीं 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 नहीं। अंकल जी, अंकल जी, अरे भाई हम तो मजाक कर रहे थे जोकिंग। एक बात बताइए कि बीना जी को देख कर लगता है कि एकदम खाते पीते घर की हैं। इन तीनों को तो देख के लगता है जैसे इनको कभी खाना मिलता ही नहीं है। हम अभी आते हैं। अरे बीना जी सुनिए, आपका नाम लड्डू कैसे पड़ा? हमारा नाम लड्डू का है कि हमारे परम पूज्य पिताजी वो लड्डू बनाते थे, इसलिए प्यार से ना उन्होंने हमारा नाम लड्डू रख दिया। मतलब अगर वो जलेबी बनाते होते तो आपका नाम जलेबी होता है ना। नहीं नहीं, मतलब सोचिए, सोचने की बात है कि आज के जमाने में इतना संस्कारी और मीठा नाम रखा है लड्डू। अरे हम तो पहले ही कहे थे कि हम जो है ना आपके लड़की के लिए एकदम में परफेक्ट है भाई। देखिए कितना संस्कारी है, और इसमें आदर्श पति के सारे गुण है। काश आप आदर्श पति नहीं करोड़पति होते। अम्मा, मम्मी, ये किस उल्लू को इस पेड़ पे बिठा रखा है? ऐसे नहीं कहते। ये है मीनाक्षी जिससे आप लोग। अरे अरे भाई साहब, अब आप कुछ मत बोलिए। आओ बिटिया आओ, हमारे पास आके बैठो तो नहीं, आओ। हमें रिश्ता मंजूर है भाई साहब। क्या ये रिश्ता? ये लड़की की बहनियां कितनी बदतमीज है, अपने जीजा के सामने कैसे हंस रही है। बहने जीजा जी, इधर इधर आओ। तुमको इतना सजने धजने की क्या जरूरत थी है? अच्छा हुआ पीछा छूटा। ए जी, अगर लड़के को पसंद है तो जाने दीजिए ना। चुप रहो। हम एक आदर्श पति और बीना जी हमारी एक आदर्श पत्नी, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, एक गुलाब देंगे। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है हाथ पकड़वाने में। अरे हाथ छोड़वा, छोड़ा छोड़ा। सुनिए आदर्श पति, जिस आदर्श पति की तुम बात कर रहे हो ना, वो इनकी जिंदगी में पहले से है। हाँ, और वो हम है। आपका नाम आदर्श पति है? चुप कर। जिससे आप शादी करना चाहते हैं ना, वो हमारी मम्मी है। हाँ। और जिसको आप देखने आए हैं वो ये है, हमारी बहन मीनाक्षी। हाँ, कुछ समझ में आया? हम तो जोकिंग कर रहे थे भाई, हमको सब पता है, हमने उल्लू बना दिया। देखा हमारा बिटुआ कितना होशियार है, मजाक भी कर लेता है। हम एक आदर्श पति बन सकते हैं ना। दो 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 दो। अरे नमस्ते ना। अम्मा, स्वीटी, जरा हमारी हॉकी की स्टिक तो लेकर आ, और साथ में खिड़की और दरवाजे भी बंद करके आना। आज तो भाई एक क्या करते? अरे रुक जाओ, रुक, अरे रुक, अरे हिंदी हमको बचा लीजिए, ये बहुत खतरनाक है। अंकल जी, फिर से अंकल जी बोला ना तो बीच से हट जाएंगे हम।
आनंद बाबू। हाँ ये ठीक है, सुनो एक मिनट काजल, सुनो काजल बेटा बात सुनो। देखो घर में आए मेहमान को इस तरह से नहीं मारते, और क्या मौसी जी ने भेजा इनको, और पहचान के आदमी है ना, रहने दो। अब असली गाथा तो हम ही जानते हैं। बापू थारे को ना पता क्या? अरे ये छोरा लड़कियां के हॉस्टल के सामने छोरियों को ताड़े से। हाँ? हाँ। परसों मैंने इसका नटबोल्ट टाइट किया था, लेक लगता है इसकी गर्मी ना गई है, इसलिए आज मारी भाड़ को देख ले। ये अपनी मीनाक्षी दीदी को नहीं अपनी मम्मी को छेड़ रहे थे। स्वीटी तो फाइनली मारी हॉकी स्टिक ले या तो ये रहेगा या तो मैं चपड़ गंजू। तारी इतनी हिम्मत की तो मारी मम्मी को ताड़े। तारी तो मजा गया, अपना भागो। अरे अरे आदर्श पति जी अपना शगुन तो लेते जाइए। अरे नहीं भाई। अपने हो या पराए हैं, सुने सबकी लेकिन करें अपने दिल की। सौ बात की एक बात बताएं, कभी ना किसी के बहकावे में मत आइए। किसका फोन है? मौसी जी का। कहीं हमारी फोटो छाप दी तो।